आज हम नासिक का बहुत ही फेमस कांदा चिवड़ा घर में बनाएंगे। ये चिवड़ा घर में बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। चिवड़ा बनाने के लिए हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे। प्याज के छिलके निकाल कर उसे बीच में से हम कट कर लेंगे। उसका जो ऊपर वाला वाइट हिस्सा होता है उसे हम निकाल देंगे, ताकि जब हम प्याज की स्लाइस करें तो सारी स्लाइस आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाए। प्याज की हमें बहुत ही पतली पतली स्लाइस करनी है और फिर उसे 2 से 3 घंटे के लिए हमें धूप में सुखा देना है। स्लाइस अभी तैयार है तो इसे हम धूप में रख देते हैं। चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पोहे लिए हैं, ये बासमती पोहे हैं। 1/2 कप मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है जिसके छिलके निकाल दिए हैं। 1/4 कप सूखा हुआ नारियल है जिसको मैंने पतली स्लाइस में कट कर लिया है। 1/2 कप रोस्टेड चना दाल है। 1/4 कप किशमिश है और 1/4 कप मैंने काजू लिया है। प्याज को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया था तो उसका जो मॉइस्चर है वो अभी चला गया है। तो इस तरह से छलनी में लेके हम उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें डार्क ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है, जिसमें हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम टू हाई रखी है। चम्मच से हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। जब प्याज का कलर इस तरह से ब्राउन हो जाए तब हम उसके अंदर 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट डालेंगे। मेरे पास ये पेस्ट अभी रेडी पड़ी थी तो मैंने ये डाली है। अगर आपके पास ऐसी पेस्ट नहीं है तो आप 7 से 8 कली लहसुन ले और उसे बारीक कट कर ले और फिर उसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले। मेरे पास पेस्ट थी तो मैंने वो बाद में डाली है, क्योंकि उसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्याज की स्लाइस जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करेंगे। छलनी में पोहे लेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। चम्मच से इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे ताकि सारे पोहे ऊपर नीचे हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो। ध्यान रहे कि तेल को आपको बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर आपका तेल बराबर गर्म नहीं है तो आपके पोहे फूलेंगे नहीं। इसी तरह से हम सभी पोहे को फ्राई कर लेंगे। आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है और तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और काजू को फ्राई कर लेंगे। अगर आप बहुत गर्म तेल के अंदर काजू फ्राई करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फ्राई नहीं होंगे। अब हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ली है तो उसे फ्राई होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप कच्ची मूंगफली को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मूंगफली फ्राई हो जाने के बाद हम रोस्टेड चना दाल को भी फ्राई कर लेंगे। ये रोस्टेड चना दाल है तो इसे भी फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब किशमिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप मूंगफली, काजू, किशमिश, रोस्टेड चना दाल और नारियल की क्वांटिटी अपने पसंद के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हम नारियल की स्लाइस को भी फ्राई कर लेंगे। आप नारियल की स्लाइस जितनी पतली कट करेंगे उतनी अच्छी वो दिखने में लगेगी और खाने में भी लगेगी। नारियल को हम इस तरह से छलनी को ऊपर नीचे करते हुए फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, लेकिन उसका कलर बहुत डार्क ना हो। 15 से 20 करी पत्ता को भी हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि करी पत्ता को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि उसका जो सारा मॉइस्चर है वो चला जाए और वो ड्राई हो जाए। सभी चीज़ों को हमें इस तरह से चौड़े बर्तन में निकालना है। प्याज की स्लाइस की जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो अब इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह का चौड़ा बर्तन होगा तो मिक्स करने में आसानी रहेगी। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये चिवड़ा थोड़ा स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कम तीखा पसंद हो तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम डालें। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अब 3 से 4 चम्मच इसके अंदर पीसी हुई चीनी मिलाएंगे।
ये चिवड़ा थोड़ा टेस्ट में खट्टा मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हम नींबू के फूल का पाउडर डालेंगे, जिसे साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। अगर आपके पास वो घर पर नहीं है तो आप आधा चम्मच के करीब इसके अंदर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हम हींग डालेंगे और मसालों को अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अभी पोहे को हमने फ्राई कर ये चिवड़ा बनाया है, तो हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पोहे को सीख कर इसका चिवड़ा बना रहे हैं तो आपको अलग से इसके अंदर तेल का तड़का लगाना पड़ेगा। हमने अभी पोहे फ्राई किए हैं तो उसके ऊपर अच्छी तरह से तेल है, तो सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा नासिक का कांदा चिवड़ा बनकर तैयार है। ये चिवड़े को आप 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नासिक का बहुत ही फेमस कांदा चिवड़ा घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ।